अंटार्कटिका के बारे में तथ्य और ज्ञान। अंटार्कटिका बर्फ और बर्फ की एक रहस्यमय भूमि, साजिश और आश्चर्य में डूबी हुई। यह बर्फीला महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है, जहां कठोर परिस्थितियां बहुत कम लोग ही सहन कर सकते हैं। फिर भी अपने चरम पर्यावरण के बावजूद अंटार्कटिका वन्य जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है और इसमें कई रहस्य हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम अंटार्कटिका की आकर्षक दुनिया, इसके स्थान और जलवायु से लेकर इसके जिज्ञासु निवासियों तक के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अपना पार्क लें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस जमे हुए वंडरलैंड का पता लगा रहे हैं। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका पृथ्वी पर पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह हमारे ग्रह के दक्षिणी छोर पर स्थित है और पूरी तरह से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने दूरस्थ स्थान के कारण अंटार्कटिका मानव गतिविधि से काफी हद तक अछूता रहा है, जिससे यह दुनिया में बचे अंतिम प्राचीन जंगली क्षेत्रों में से एक बन गया है। यह महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, इतना कि यह पृथ्वी की 90% मीठे पानी की आपूर्ति रखता है। शीर्ष पर बर्फ की चादर 2 से 4 मील तक मोटी होती है, जो किसी अन्य से भिन्न परिदृश्य बनाती है। ठंडा और दुर्गम होने के बावजूद अंटार्कटिका अभी भी दुनिया भर से शोधकर्ताओं को आकर्षित करने में कामयाब होता है, जो वैज्ञानिक अभियानों के लिए यहां आते हैं। साल भर अनुसंधान केंद्रों को छोड़कर वहां कोई स्थायी आबादी नहीं रहने के कारण यह बर्फीली भूमि अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसे पूरी तरह से खोजा और समझा जाना बाकी है। इसका विशाल आकार और चरम स्थितियां वैज्ञानिकों को चुनौती देती रहती हैं, क्योंकि वे इस उल्लेखनीय स्थान के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। अंटार्कटिका कहां स्थित है? अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित एक महाद्वीप है। यह दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे भूमि क्षेत्र के मामले में पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका का स्थान पृथ्वी पर अपनी स्थिति के कारण अद्वितीय है। यह पूरी तरह से अंटार्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है, जिसका अर्थ है कि वर्ष के कुछ हिस्सों के दौरान यह दिन के 24 घंटों के लिए पूर्ण अंधकार का अनुभव करता है, जबकि अन्य समय के दौरान यहाँ लगातार दिन का उजाला रहता है। इसके दूरस्थ स्थान और कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण बहुत से लोग अंटार्कटिका पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। वहाँ काम करने वाले कुछ निवासी आम तौर पर वैज्ञानिक या शोधकर्ता होते हैं, जो इस क्षेत्र में मौजूद पर्यावरण और वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अंटार्कटिका एक अलग जगह की तरह लग सकता है, जहां बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें आकर्षक परिदृश्य हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जा सकते हैं। विशाल ग्लेशियरों से लेकर विशाल बर्फ की अलमारियों तक यह महाद्वीप लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमारे ग्रह पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक होने के बावजूद अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। अंटार्कटिका में जलवायु। अंटार्कटिका की जलवायु पृथ्वी पर सबसे चरम जलवायु में से एक है। यह बेहद कम आर्द्रता के स्तर के साथ अपनी अत्यधिक ठंड और शुष्क स्थितियों के लिए जाना जाता है। इस महाद्वीप में सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे समय तक अंधेरा रहता है और गर्मियों के दौरान 24 घंटे का दिन रहता है। पूरे वर्ष अंटार्कटिका का औसत तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस भाग में हैं। हालांकि तापमान -87 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो हमारे ग्रह पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान दर्ज किया गया है।
इसके अलावा अंटार्कटिका में इसके स्थान और वायुमंडलीय दबाव के अंतर के कारण हवा की गति अविश्वसनीय रूप से अधिक है। ये हवाएं कभी कभी 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, यह श्रेणी 5 के तूफान का लगभग 2/3 हिस्सा है। इन कठोर मौसम स्थितियों के कारण मनुष्यों के लिए उचित कपड़े, गियर, आश्रय या परिवहन सुविधाओं के बिना जीवित रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस चुनौती के बावजूद कुछ शोधकर्ता वन्य जीव संरक्षण प्रयासों या जलवायु परिवर्तन पैटर्न का अध्ययन करते समय अस्थायी रूप से यहाँ रहते हैं। अंटार्कटिका की जलवायु सिर्फ ठंडी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया है, जहां प्रकृति बर्फीली मुट्ठी के साथ शासन करती है। अंटार्कटिका के लोग दुनिया का सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका अपने कठोर मौसम और चरम स्थितियों के लिए जाना जाता है। जो लोग इस बर्फीली भूमि पर रहना और काम करना चुनते हैं, वे साहसी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और सहायक कर्मचारियों की एक अनोखी नस्ल है। अंटार्कटिका की जनसंख्या मौसम के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी के महीनों के दौरान पूरे महाद्वीप में अनुसंधान केंद्रों पर 4,000 से अधिक लोग रह सकते हैं। ये व्यक्ति दुनिया के सभी कोनों से अलग अलग पृष्ठभूमि और विशिष्टताओं के साथ आते हैं। चाहे वह अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रयोग करना हो या उपशून्य तापमान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखना हो, प्रत्येक व्यक्ति इस पृथक महाद्वीप पर जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन जो लोग अंटार्कटिका को अपना घर कहते हैं, वे अक्सर अपने अनुभव को अनोखा बताते हैं। कई लोग आधुनिक तकनीक से अलग होने का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य मानव विकास से अछूते प्राचीन प्रकृति से घिरे रहना पसंद करते हैं। अपने प्रियजनों से महीनों दूर अपने घर में समय बिताने के बावजूद कई अंटार्कटिकवासी साझा अनुभवों और एक साथ सामना की गई चुनौतियों के कारण अपने सहकर्मियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। समुदाय की यह भावना ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब अलगाव अकेलेपन या घर की याददाश्त की भावनाओं को जन्म दे सकता है। जो लोग अंटार्कटिका पर रहना चुनते हैं, वे एक विविध समूह हैं, जो अन्वेषण और खोज के अपने जुनून से एकजुट हैं। उनका समर्पण न केवल हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ में बहुत योगदान देता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो हम वर्तमान में जानते हैं, उससे परे रोमांच की तलाश करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अंटार्कटिका का जीवन पृथ्वी पर सबसे दुर्गम वातावरणों में से एक होने के बावजूद अंटार्कटिका विविध प्रकार के वन्य जीवों का घर है। विशाल व्हेल से लेकर छोटे क्रिल तक अंटार्कटिका में जीवन अत्यधिक ठंड और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गया है। अंटार्कटिका के आसपास का दक्षिणी महासागर व्हेल की कई प्रजातियों का घर है, जिनमें हम्पबैक, किलर और मिनके व्हेल शामिल हैं। इन शानदार प्राणियों को अक्सर बर्फीले पानी में तैरते या उससे बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। व्हेल के साथ साथ सील भी आती हैं। तेंदुआ सील अपने भयंकर शिकार कौशल के लिए जानी जाती है, जबकि वेडेल सील अधिक विनम्र होती हैं और बर्फ पर तैरना पसंद करती हैं। शायद अंटार्कटिका से जुड़े सबसे प्रतिष्ठित जानवर पेंगुइन हैं। 6 अलग अलग प्रजातियां हैं जो इस महाद्वीप को अपना घर कहती हैं। एडेली, एम्परर, चिनस्ट्रैप, जेंटू, मैक्रोनी और दक्षिणी रॉकहॉपर पेंगुइन। ये मनमोहक पक्षी विषम वातावरण में जीवित रहने का पर्याय बन गए हैं और लोकप्रिय संस्कृति में प्रमुखता से शामिल हैं। अन्य निवासियों में अल्बाट्रॉस शामिल हैं, जो खुले समुद्री पानी में भोजन की तलाश करते समय काटाबेटिक हवाओं के ऊपर उड़ते हैं। पेट्रेल, जो चट्टानी चट्टानों के किनारे बिलों में घोंसला बनाते हैं। स्कुआ, जो युवा पक्षियों और अंडों का शिकार करते हैं। विशाल पेट्रेल मृत जानवरों के शवों के साथ साथ अनगिनत अन्य पक्षी प्रजातियों जैसे कि स्नो पेट्रेल या अंटार्कटिक टर्न को साफ करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।